myself, professor of sociology, Marudhar College, Jodhpur, state Rajasthan, country India. आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र. इंग्लिश में इसे कहते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी. समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को, मेरे कहने का मतलब समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र को लिखकर दो प्रकार के संप्रदाय बने. पहला स्वरूपात्मक संप्रदाय मतलब फॉर्मल स्कूल, दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय मतलब सिंथेटिक स्कूल. तो दोनों संप्रदाय के बीच में जो है काफ़ी विवाद है. कुछ इसे विशिष्ट विज्ञान मानते हैं और कुछ सामान्य विज्ञान मानते हैं. अब हम अध्ययन करते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान मानते हैं. सबसे पहला संप्रदाय है स्वरूपात्मक संप्रदाय अर्थात फॉर्मल स्कूल. फॉर्मल स्कूल के समर्थक हैं जॉर्ज सिमेल, टॉनिज, वॉन विच, वीरकांत, मैक्स वेबर आदि जो विचारक है. उनका मानना है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है और अन्य सामाजिक विज्ञानों से पृथक है. स्वरूपात्मक संप्रदाय वालों का मानना है कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट स्वरूप या आकार प्रदान किया जाए. जिस तरह से एक बोतल में आप दूध डाल दो, चाय डाल दो, पानी डाल दो या ठंडा डाल दो, लेकिन बोतल का आकार नहीं बदलता है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र के जो सिद्धांत हैं, समाजशास्त्र की जो विचारधारा है, वो किसी भी विषय सामग्री के आने से नहीं बदलती है. समाजशास्त्र को जो स्वरूप या विशिष्ट आकार प्रदान करना चाहते थे, उनका मानना है कि समाजशास्त्र को एक पृथक विषय बनाया जाए और उसका अध्ययन एक पृथक विषय के रूप में किया जाए. अब दूसरा संप्रदाय है समन्वयात्मक संप्रदाय यानी कि सिंथेटिक स्कूल. सिंथेटिक स्कूल के समर्थक तीन हैं, हॉबहाउस, दुर्खिम और सोरोकिन. संप्रदाय मेरे कहने का मतलब ये कि समन्वयात्मक संप्रदाय वालों का मानना है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है और विशिष्ट विज्ञान नहीं है. समाजशास्त्र में उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए जो अन्य सभी विषय में सामान्य है. तो समन्वयात्मक संप्रदाय जो है समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान न बनाकर सामान्य विज्ञान बनाना चाहता था और ऐसा सामान्य विज्ञान बनाना चाहता था जिससे ये पता चले कि समाजशास्त्र उन सभी सामान्य बातों का अध्ययन करता है जो अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अन्य विषय हैं, उनमें जो सामान्य बातें आती हैं उन्हीं बातों का सामाजिक अध्ययन या समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाए या समाजशास्त्र अध्ययन करें. तो इन दोनों विचारकों में मतभेद रहा. अंततः यह तय हुआ है कि समाजशास्त्र न तो विशिष्ट विज्ञान है और न ही सामान्य विज्ञान है. समाजशास्त्र जो है वो विशिष्ट विज्ञान भी है और सामान्य विज्ञान भी है. तो न तो इसे पूर्ण रूप से विशिष्ट कहा जा सकता है और न ही पूर्ण रूप से सामान्य विज्ञान कहा जा सकता है. आपका दिन शुभ और मंगलमय. धन्यवाद.